आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। पिंजरा ले आया हूँ, अब तो एक शक्ति मिलेगी ना जो आपने वादा किया था। हाँ, लेकिन पूरा काम होने के बाद। वो तो मैं एक मिनट में कर दूंगा, वो तो मेरा बाएं हाथ का काम है। आजा मुन्ना, आजा 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 मुन्ना, आजा आजा बेटा, आजा जो 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 जो, आजा मुन्ना, आजा 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 ओले ले ले मिले आजा बेटा आजा। पिया, कॉफी रेडी है? हाँ अभी आई। अरे मेरे बच्चा, आप खेलो, मम्मा अभी आई। हाँ आई होप इस पर अब कोई मुसीबत ना आए और हमारा बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी। ये हमारा बच्चा है अंश, नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकता है? मैं मानता हूँ ये एक दावंश और दैविक का बच्चा है, पर जरूरी नहीं है कि इसमें भी शक्तियाँ हो। जरूरी तो नहीं है अंश, लेकिन जिस तरह ये मेरे पुराने घर तक पहुंचा था, कोई आम बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। पिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सरफराज ने उसे घर तक पहुंचाया। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि हमारे बच्चे में कुछ खास शक्तियां हैं। पिया तुम भी ना, तुम एक टिपिकल माँ की तरह बिहेव करो जिसे अपना बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा लगता है। उसने अभी तक चलना नहीं सीखा और तुम्हें लगता है कि उसमें शक्तियाँ हैं? पिया कॉफी तो पियो और बताओ कैसी बनी है। बस चीनी बहुत ज्यादा है। चलते हैं, इतने दिन मुझे यहाँ रुकने दिया, बच्चे के साथ खेलने दिया, इसलिए शुक्रिया। लेकिन हम आते रहेंगे। खाते रहेंगे? किसको खाते रहेंगे? खाते रहेंगे नहीं, आते रहेंगे। जब भी हम आएंगे आप लोग हमें बच्चे के साथ खेलने देंगे ना? हाँ बोलो बोलो पिया। खेलने देंगे ना? हाँ हाँ, आ जाना, अपना ही घर समझ के आ जाना। हाँ हाँ, अपना ही घर समझो। दिलरुबा खुश हुई, अब हम चलते हैं। शुक्र है भगवान का जो इस चुड़ैल से पीछा छूटा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। दिलरुबा बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। चुड़ैल तो चली गई भाभी, अब हम भी अंश और पिया को लेके मंदिर चलते हैं। हाँ चैताली, तुम लोग सब मंदिर होया, मैं मुन्ने के साथ घर पे ही रुक जाती हूँ। माँ आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं अंश, तुम लोग होया ना, मैं यहाँ पर इसे नहला कर तैयार कर दूंगी और फिर मुझे इसकी नजर भी उतारनी है। हाँ भाभी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जरूर उस चुड़ैल की नजर हमारे मुन्ने पर लगी होगी, आप नजर उतार देना। हाँ अरे बाप रे,
ये क्या था? ये हमारी कोर्ट टॉक है चाची। जब भी मैं थोड़ी उदास होती हूँ तो ये इस तरह से पलके झपकाने लगता है और तब तक झपकाता है जब तक मैं हंसती नहीं और इसकी तरह पलके नहीं झपकाती। माँ और बच्चे का रिश्ता होता ही ऐसा है। चले चलो चलो। सब लोग बच्चे को अकेले छोड़ रहे हो। दिलरुबा खुश हुई। आप लोग कौन है? मैं सावी। आंटी आप लोग ठीक तो हो ना? उसने आप लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? आंटी आप लोग उस तहखाने से बाहर कैसे आए? क्या बोल रही हो सावी? कैसा तहखाना, कैसे प्राणी? मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा। आंटी जी वही तहखाना जहाँ पे हमने आपको बंद किया था, वहाँ पे कितने सारे क्रिएचर्स भी तो थे। एक मिनट सावी, तुम होश में हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मतलब आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है? पन्ना जी आपको याद है सावी बिटिया ने आपको निशांत जी के ऑफिस में बुलाया था और उसके बाद आप ही के बेटे से बचाने के लिए आप लोगों को वहाँ के तहखाने के अंदर बंद कर दिया था। मेरे बेटे से बचाने के लिए? आप लोग क्या बोल रहे हैं पंडित जी, मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा। आंटी जी मैंने बताया तो था कि आपका बेटा एक राक्षस है, लेकिन आप ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो हमने आप लोगों को तहखाने में बंद कर दिया ताकि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन आप लोगों को कुछ भी याद नहीं, इसका मतलब है कि उसने आपकी भी मेमोरी उसी तरह डिलीट की है जैसे कि मेरी और उन सब लड़कियों की जिन्हें उसने किडनैप किया था। बकवास बंद करो सावी, कुछ भी बोले जा रही हो? एक तो 6 महीने के बाद हम लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम अचानक से आकर मुझसे ये बोलती हो कि मेरा बेटा राक्षस है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी बोला तो। अगर मैं आपको ये साबित कर दूं तो? मतलब अगर मैं आपको ये साबित कर दूं कि आपके बेटे ने एक लड़की को किडनैप किया है, हाँ आपका राक्षस बेटा। सावी रुको, अंदर क्यों जा रही हो तुम? सावी रुको, क्या कर रही हो तुम? आप लोग खुद ही देख लीजिए, देखिए। तुम हमें क्या दिखाना चाह रही हो सावी? वो इसमें आप लोग यहां से खुद जाएंगे या मैं पुलिस बुलाऊं? सावी चलो। जी कहिए, आप कौन और आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने पिंजरा ले आया हूँ। अब तो एक शक्ति मिलेगी ना जो आपने वादा किया था? हाँ लेकिन पूरा काम होने के बाद। वो तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा, वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आजा मुन्ना, आजा 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 मुन्ना, आजा आजा बेटा, आजा जो 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 जो, आजा मुन्ना, आजा 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 आजा, ओले ले ले मिले ला, आजा बेटा आजा। क्या हुआ?
जल्दी से पकड़ो उसे। हाँ पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ। अच्छा 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 राजा बच्चा आजा बेटा। आई एम श्योर उस असुरांश ने उन तीनों की भी मेमोरी इरेज कर दी होगी, तभी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है। अब देखिए ना पंडित जी, हमसे कापी में लिखा हुआ नाम नहीं मिटता और वो है कि दिमाग में छपी हुई बात मिटा देता है। हम आपको सच बता रहे हैं पंडित जी, वो ससुर का नाती हमसे ज्यादा तेज और ताकतवर है। हमें नहीं लगता पंडित जी कि वो हमारे हाथ में आएगा, कहे कि एक ही तो तरीका था डायन रहस्य, जिसके जरिए हम उसको पकड़ सकते थे, लेकिन उस ससुर का नाती उसमें से भी वो पन्ना फाड़ के भाग गया है। अब आप ही बताइए ना क्या करें। सावी बेटा नमन सही कह रहा है, जरूर उस पन्ने में कोई ऐसी जानकारी थी जो वो नहीं चाहता कि हमें पता चले, इसीलिए तो वो इतना खतरा उठाकर वहां तक गया और उसने निशान जी पर हमला भी किया। अरे पंडित जी 100 बात की एक बात, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और अब तक तो वो पन्ना जला के भस्म कर दिया होगा। नहीं, डायन रहस्य को मंत्रों से बांधा गया है, इसलिए उनके पन्नों को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो पन्ना अभी भी उसके पास होगा, या तो उसने और कहीं छुपा के रखा होगा। क्या बात कर रही हो, अगर वो पन्ना हमको मिल जाएगा तो हम उन राक्षस को मार सकते हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हमें वो पन्ना मिलेगा कैसे। मैं जानता हूँ कैसे। डैड, For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.